हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। सुमन की रसोई टिप्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज हम आपको बताएंगे गाजर और चुकंदर का जूस बिना जूसर के कैसे घर पे निकालें आसानी से, और ये जूस आपके शरीर के लिए बहुत फ़ायदा करेगा। जिसकी आँखों की रोशनी कम है ना, आँखों की रोशनी बढ़ाने में ये जूस ना बहुत हेल्प करता है, हमारे शरीर के लिए बहुत फ़ायदा करता है ये जूस। जिसे शुगर हो गया है, शुगर कम करने में ये बहुत हेल्प करता है। तो कैसे बनाएंगे ये जूस आज हम आसान तरीके से, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, तो कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले जूस बनाने के लिए यहाँ हमें चाहिए गाजर और चुकंदर। तो ये गाजर हमने ले ली है, गाजर को साफ करके धो के छील के हमने गाजर को लिया है, और आधा हमने ले लिया है या नींबू। और ये गाजर है ना, अगर जो अंदर वाला ज़्यादा येलो येलो पार्ट होता है ना, अगर आपकी गाजर में है तो निकाल दें, ऊपर ऊपर की गाजर ले लें। अगर इस तरह की गाजर है तो अंदर से ये नहीं निकालें। तो गाजर को इस तरह से छील के हमने टुकड़ों में कट कर लिया है। और देखिए, इधर हमने दो चुकंदर ले लिए हैं। पहले चुकंदर को साफ करके धोया, फिर ऊपर से अच्छे से छील के इस तरह से टुकड़ों में चुकंदर को हमने कट कर लिया है। इसे ना बीट रूट भी बोला जाता है वैसे तो। और इधर हम ले लेंगे मिक्सी का जार, इसमें आधा चुकंदर डालेंगे और आधा हम डालेंगे गाजर। अब इसमें ना थोड़ा पानी डालना है, आधा कप के करीब पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा पानी हमें नहीं डालना है। और मिक्सी का जार बंद करके इसे अच्छे से हमें गाजर और चुकंदर को पीस लेना है। तो अच्छे से ये ग्राइंड कर लिया है हमने। अब यहाँ हम ले लेंगे छन्नी, आप कॉटन का कपड़ा भी ले सकते हो। इसमें जो हमने चुकंदर और गाजर पीसी थी ना, वो डाल देनी है। थोड़ा इस तरह से दबा के सारा जूस हमें निकाल देना है। अच्छे से दबाएंगे। एक तो फ्रेंड्स, जब इस तरह से घर पे जूस बनाओगे तो आपको ओरिजिनल जूस मिलेगा। सुबह खाली पेट आप इसे पी सकते हो, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और जो बाकी गाजर और चुकंदर बचा है ना, इसी तरह से उसका भी पीस के हमें जूस निकाल लेना है। तो देखिए, सारा जूस हमने निकाल लिया है, एक गिलास जूस निकला है इसमें। और ये चुकंदर बचा है ना, आप जो रोटियां बनाते हो ना, उस आटे में ये चुकंदर को डाल के अच्छे से आटा लगा के रोटी बनाएं, तो आपका जो वेट है ना, लॉस करने में बहुत तेज़ी से वेट लॉस होगा इससे। और वैसे भी बहुत फ़ायदा करता ही है चुकंदर। तो इसमें थोड़ा सा हमें डाल देना है काला नमक, और आधा नींबू का रस इसमें हम डालेंगे। और अच्छी तरह से नमक और नींबू के रस को हमें मिला देना है। आप चाहो तो पिसी हुई चीनी भी एक चम्मच इसमें डाल सकते हो, अगर आपको मीठा पसंद है तो। नहीं तो ऐसे भी चुकंदर और गाजर का जूस पी सकते हो। तो चलिए, अब इसे गिलास में करके हम सर्व करेंगे। तो इधर सर्विंग गिलास ले लेना है हमें। इसमें जूस को हम डालेंगे। ये जूस ना भूख को कम करता है और वेट तेज़ी से कम करता है। ये जूस जिसको ज़्यादा वेट है ना, वो भी इसे यूज कर सकते हैं, उसका तेज़ी से वेट कम होगा। जिसके खून नहीं बन रहा है शरीर में, 15 दिन आप एक गिलास पी के देखो, खून बनना चालू हो जाएगा। और जो थकान, कमजोरी, वीकनेस आपको मालूम पड़ती है, 15 दिन पी के देखो, सारी इस जूस से ख़त्म हो जाएगी। बहुत फ़ायदा करेगा हमारे शरीर के लिए। तो कब बना रहे हैं इस तरह से जूस, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कर दें। अगर चैनल पर न्यू आए हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ऐसे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। तो अब मिलेंगे अगले नई वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।